हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्य शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें आज का हमारा टॉपिक है ठोस आकारों का चित्रण। कैसे हम ठोस आकारों का चित्रण करते हैं, जैसे 2D और 3D दोनों होते हैं, तो कैसे करेंगे हम उनका चित्रण। तो उसमें हमारा चलेगा आज अभ्यास 15.1। तो देखिए क्या है, तल आकृतियां और ठोस आकार। क्या क्या है हमारे पास, तल आकृतियां और ठोस आकार। आपने अपने दैनिक जीवन में हम अपने परिवेश से विभिन्न आकारों की अनेक वस्तुएं देखते हैं, जैसे पुस्तकें, गेंद, आइसक्रीम, शंकु इत्यादि। शंकु अगर आपको समझ ना हो, जैसे कॉर्न होता है हमारा, आइसक्रीम शंकु, और टेंट भी कह सकते हैं हम। अधिकांशतः इन सभी वस्तुओं में एक एक बात सर्वनिष्ठ है, वह यह है कि इनमें से प्रत्येक की कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई है। ठीक है ना, इनमें से किसी किसी की तो लेंथ होती है खाली, किसी किसी में ब्रेथ होती है, किसी किसी में हाइट होती है, और किसी किसी में गहराई होती है। ठीक है ना। अब देखिए त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति क्या होती है, 3D फिगर जो होती है हमारी, क्या होती है, जो हमारी 3D फिगर होती है। 3D का मतलब क्या होता है, 3D का मतलब होता है जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, और जिसमें हाइट भी हो, तीनों चीजें इसमें हमारी हो, वो होती है 3विमीय। और 2विमीय क्या होती है, जिसमें खाली लेंथ और ब्रेथ हो। ठीक है, त्रिविमीय आकृति के 3 आयाम होते हैं, जैसे लंबाई यानी कि लेंथ, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, और मोटाई, मोटाई भी कह सकते हैं इसको, ऊंचाई भी कह सकते हैं। अब देखिए इसके आयतन, वक्प्रस्थ क्षेत्रफल और कुल प्रस्थ क्षेत्रफल की गणना की जा सकती है, जैसे घन। अब मैं आपको घन बनाकर यहाँ दिखा रही हूँ। जैसे ये एक घन है, ठीक है, और क्या होता है घनाभ। घनाभ हमारा बनता है आयत की सहायता से, तो कुछ इस तरीके से हमारा बन जाता है घनाभ। ठीक है, और हमारा क्या बनता है, बेलन। बेलन हमारा बनता है कुछ इस तरीके से, ये रहा। और अगर हम बात करें शंकु की, तो शंकु हमारा बनता है कुछ इस तरीके से। ऐसे ही होता है हमारा त्रिज्यखंड, आदि 3D आकृतियों के अंतर्गत आते हैं। आप देखिए कैसे, क्योंकि इसमें देखो लेंथ भी है, इसमें ब्रेथ भी है, लेंथ भी है, इसमें ब्रेथ भी है, और इसमें हाइट भी है। ऐसे ही इसमें है, ऐसे ही इसमें है। अब यहाँ देखिए फलक, किनारे और शीर्ष। आपने पढ़ा होगा फेस, एजिस और वर्टेक्स, ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं, फलक, किनारे और शीर्ष। घन के 8 कोने उसके शीर्ष होते हैं। अब देखो 8 कोने कैसे, काउंट करो, इसमें काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे कि कोने जो होते हैं घन में वो कितने होते हैं, घन या घनाभ में कितने कोने होते हैं, वो 8 होते हैं। घन के ढांचे को बनाने वाले 12 रेखाखंड होते हैं। अब कैसे, 1, 2, 3, 4। अब यहां से काउंट करो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 क्या होते हैं, इसके रेखाखंड होते हैं, 12 होते हैं रेखाखंड। उसके किनारे या कोर कहलाते हैं। 6 सपाट वर्गाकार पृष्ठ होते हैं, ठीक है, जो घन की खाल या त्वचा है, उसके फलक कहलाते हैं। ओके, अब देखो 3D आकार बनाने के लिए जाल या नेट कैसे यूज होगा। एक गत्ते का बक्सा लीजिए, यानी कि आपको एक बॉक्स लेना है। अब उसमें क्या करना है, उसको कुछ किनारों के अनुदिश काटकर सपाट बना लीजिए। किनारों के अनुदिश यानी कि किनारों से उसे काटना है। अब आपके पास इस बक्से का जाल है। जाल 2D में इस प्रकार का ऐसा ढांचा या रूपरेखा होता है, जिसे मोड़ने पर परिणाम स्वरूप एक 3D आकार प्राप्त हो जाता है। अब देखो भिन्न भिन्न आकारों के लिए भिन्न भिन्न जाल कैसे होंगे। भिन्न भिन्न आकारों के लिए भिन्न भिन्न जाल होते हैं। दिए हुए जालों के प्रतिरूप बनाइए और उनका विस्तार कीजिए, तथा दिए हुए जालों के विस्तारित रूपों के प्रतिरूप बनाइए, फिर उसके नीचे लिखे 3D आकारों को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो 3D आकारों को बनाने का फिर हमें प्रयास करना है। ये एक्सपेरिमेंट अगर आप करके देखेंगे तो इससे आपका ये फायदा होगा कि जब हम कुछ करते हैं खुद से तो हम जल्दी सीखते हैं। तो जल्दी सीखने के लिए आई होप आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखें। अब देखिए पिरामिड का जाल कैसे बनता है। हम गिजा यानी कि मिड में के ग्रेट पिरामिड के प्रकार के पिरामिड के लिए भी जाल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इस पिरामिड का आधार एक वर्ग है, तथा चारों भुजाओं पर बने त्रिभुज बने हुए हैं। ठीक है, तो पिरामिड जो बनता है, पिरामिड अगर हम बनाने लगे तो पिरामिड क्या होता है, उसमें यहाँ पे तो क्या होता है, यहाँ ये तो होता है ये ऐसे कुछ,
और फिर यहाँ जो बनती हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ पिरामिड बना हुआ होता है। देखिए क्या आप दिए हुए जाल से इस पिरामिड को बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो आइए इसको हम चेक करते हैं। अब देखिए मुख्य तथ्य यानी कि इंपोर्ट मेन मेन पॉइंट हमारे पास क्या है इसके, देखो कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4, चार मुख्य तत्व हैं, ठीक है। मुख्य तत्व के बाद हम क्या देखेंगे इसमें, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्या देखेंगे इसमें, बस हम आज 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद और हम थोड़े से पढ़ेंगे मुख्य तथ्य। तो देखिए आइए चलते हैं अपने मुख्य तथ्य की तरफ। तो देखो फर्स्ट वाला मुख्य तथ्य क्या कह रहा है, वृत्त, वर्ग, आयत, चतुर्भुज और त्रिभुज समतल आकृतियों के उदाहरण है। घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु और पिरामिड ठोस आकारों के। क्यों? देखो जो वृत्त है ये है खोखली आकृति, ठीक है। वर्ग भी को भी हम कह सकते हैं खोखली आकृति है, खाली इसमें लेंथ और ब्रेथ ही होती है। आयत को भी हम कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें भी खाली लेंथ और ब्रेथ होती है। और चतुर्भुज में भी ऐसा ही होता है, पर ये जो आकृति होती है हमारी ठोस आकृति होती है। ठोस कैसे, इसमें आप ऐसे जैसे एक ये है, ये हमारा बन गया घन। तो घन है यानी कि एक बॉक्स कह सकते हैं हम, जैसे शू का बॉक्स होता है ना, तो शू बॉक्स हो गए। तो अब देखो घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु और पिरामिड हमारे ठोस उदाहरण हो गए। और ये क्या है, हमारी समतल आकृति यानी कि इनको हम खोखली आकृति भी कह सकते हैं। अब देखो समतल आकृतियों की 2 विमाएं संक्षिप्त में 2D होती है। इसमें देखो लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, 2 विमाएं होती है। और ठोस आकारों में 3 विमाएं यानी कि संक्षिप्त में 3D होती है। अब देखो थर्ड पार्ट देखेंगे, ठोस आकार के कोने, उसके शीर्ष, उसके ढांचों के रेखाखंड, उसके किनारे या उसके सपाट पृष्ठ उसके फलक कहलाते हैं। ठोस आकार के कोने, जो उसके कोने होते हैं, ये जो कोने हैं इनको हम कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। शीर्ष और इसको हम वो भी कह सकते हैं वर्टेक्स, ठीक है। और उसके ढांचों के रेखाखंड, रेखाखंड यानी कि किनारे और उसके कोर भी कहते हैं, इनको हम एजिस भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके सपाट प्रस उसके फलक, फलक यानी कि फेस, इसको हम फेस भी कहलाते हैं। अब कह रहे हैं फोर्थ पार्ट, ठोस का एक जाल 2 विमाओं में एक ऐसा ढांचा है जिसे मोड़कर वह ठोस प्राप्त हो जाता है, और एक ही ठोस के अनेक प्रकार के जाल हो सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, उन जालों को पहचानिए जिनका प्रयोग करके आप घनों को बना सकते हैं। अब देखो इसको अगर आप इस टाइप की आप पट्टियां काट लीजिए और उसमें अगर आप ये बना के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से ही समझ आएगा, ठीक है। फिर भी हम ट्राई करते हैं आपको अच्छे से समझाने का। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है, अब देखो अगर मैं इसको इधर से फोल्ड करूंगी तो ये ऐसे हो गया, आप इधर से फोल्ड करेंगे पर ये 3 एक्स्ट्रा हो जाएंगी हमारी, तो ये तो हम फोल्ड नहीं कर पाएंगे एक के ऊपर एक। ऐसे ही इसमें देखो इसमें क्या होगा, इसमें हम ये इधर से फोल्ड हुआ, ठीक है, ये इसके साथ आ गया, फिर ये इधर से फोल्ड हुआ और ये आ जाएगा इसके ऊपर, ऐसे ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसको कवर कर लेगा। तो ये हमारा हो सकता है सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हम देखेंगे, थर्ड पार्ट में देखो ये देखो कैसे करेंगे, अब ये इधर से फोल्ड करा, ये जो है ये यहाँ से फोल्ड हो जाएगा और ये यहाँ से, फिर उसके बाद ये इसके साथ इधर आ जाएगा और ये कहीं इधर आ जाएगा और इसको ये हो जाएगा ऊपर से कर्वर। तो थर्ड पार्ट भी हमारा हो सकता है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट तो बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है, इसको इधर से फोल्ड करो, इधर से इसको फोल्ड करो, इसको इधर से, इसको इधर से, और ये ऊपर आ जाएगा ये यहाँ पर इसको कवर करने के लिए, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट तो सबसे इजी था। अब फिफ्थ पार्ट में देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या है, आप इसको यहाँ से कवर करेंगे तो ये यहाँ आ गया, फिर आप यहाँ से कवर करेंगे यहाँ आ गया, यहाँ से कवर करेंगे यहाँ आ गया, पर ये पार्ट हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब सिक्स पार्ट में देखो, ये बहुत सिंपल है, ये भी यहाँ से कवर करा इसको, फिर इसको यहाँ से बंद कर दिया, ये यहाँ से आ गया एक पार्ट, फिर इसको यहाँ से करा और इसको ये यहाँ आ जाएगा और फिर ये जो होगा ये ऊपर कवर हो जाएगा। इसको आप प्रैक्टिकली करके देखें तो आपके लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली आप इसको करें तो प्रैक्टिकली आप इसको करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखो प्रश्न नंबर 2 हमारे पास है, पासे ऐसे घन होते हैं जिनके प्रत्येक फलक पर बिंदु अंकित होते हैं। क्या होते हैं? बिंदु अंकित होते हैं यानी कि डाइस जो होते हैं। अब देखो कहीं पे क्या होंगे, 1 से लेकर 6 तक के बिंदु अंकित होते हैं, किसी पे 1, किसी पे 2, किसी पे 3, किसी पे 4, किसी पे 5 और किसी पे 6, ठीक है। अब देखो क्या है, एक पासे के सम्मुख फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग सदैव 7 होता है अंकित बिंदुओं पर। अब देखो कैसे,
अब जैसे ये हमारा एक डाइस है, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पे है 1। अब इसके पीछे वाला जो डाइस होगा वो हमारा होगा 6। अब एक डाइस हमारा 2 है तो उसके पीछे वाला डाइस होगा 5। एक डाइस 3 पर 3 है तो उसके पीछे वाला होगा 4। तो इस तरीके से देखो, इनका टोटल भी 7 आया, इनका टोटल भी 7 आया और इसका टोटल भी 7 आया। तो इस तरीके से अंकित होता है। यहाँ पासों को बनाने के लिए दो जाल दिए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ग में लिखिए संख्या उस बक्से के बिंदुओं को दर्शाती है या नहीं दर्शाती। अब देखो, फर्स्ट पार्ट हमें ऐसे दे रखा है और सेकंड हमें ये दे रखा है। याद रखते हुए कि पासे के सम्मुख फलकों की संख्या का योग, ये आपको जरूर याद रखना है, ये आपके लिए कंपलसरी है, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। रिक्त स्थानों का उपयुक्त संख्या में लिखिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब फर्स्ट वाले में अगर हम देखेंगे कैसे पूरा करेंगे। अब देखो ये 4 है, 4 के 5 और 6 तो एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, तो देखो 5 तो आएगा 2 के साथ, एक छोड़ के आता है, ऐसे आपको याद रखना है। 4 आएगा 3 के साथ और फिर ये 6 और 1 बचेंगे, ये इधर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ क्या है, 1 2 3 है, 3 है ना। अब देखो मैंने बताया था कि आपको एक डैश छोड़ के आता है, तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो 1 और 3 यहाँ आ गए हमारे, तो देखो 3 है तो 3 आ जाएगा एक डैश छोड़ के, तो यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, अब 1 है तो 1 एक डैश हमने छोड़ा तो यहाँ आ जाएगा 6 और 2 वाला हमारा क्या आ जाएगा 5। ओके, आप ऐसे नहीं चेक करेंगे, ये अपोजिट साइड नहीं है, जो अपोजिट साइड है आपको वो चेक करनी है, फिर आपको बताना है कैसे। 2 है, 2 का अपोजिट जो आपका बैठ रहा है वो क्या बैठ रहा है, 2 का अपोजिट हमारा बैठ रहा है 5। ठीक है, ये मैं स्टार लगा देती हूँ, 2 का अपोजिट क्या है 5। और 3 का अपोजिट क्या बैठ रहा है, 3 का अपोजिट बैठ रहा है हमारा ये वाला पासा 4। और 6 का अपोजिट हमारा बैठ रहा है ये वाला पासा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, क्या है, क्या आप पासे के लिए एक जाल क्या आप यह पासे के लिए एक जाल हो सकता है, अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6, नहीं, यह पासे के लिए एक जाल नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि पासे के सम्मुख फलकों की संख्याओं का योग 7 होता है। अब देखो 3 और 4 ये तो आपस में ही 7 बना रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर 4 यहाँ पर है तो 3 यहाँ होना चाहिए था, और अगर 3 यहाँ पर है तो 4 यहाँ होना चाहिए था, तो इस तरीके से तो ये बना ही नहीं रही, तो आपस में ही 7 का योग बना रहे हैं। हमें रखना है सम्मुख, यानी कि अगर किसी पासे की जैसे अगर हम पासा बनाए, यहाँ ये रहा हमारा डाइस, अगर इस वाले हिस्से पे, ऊपर वाले हिस्से पे इधर की साइड 3 है, तो इसके बैक वाले हिस्से पे होना चाहिए 4। अगर ऊपर वाले हिस्से पे 2 है तो नीचे वाले हिस्से पे होना चाहिए क्या, होना चाहिए 5। तो इस तरीके से, परंतु 1 के सम्मुख 3 है, यहाँ पे देखो 1 के सम्मुख क्या है 3 है, और 4 के सम्मुख हमारा 6 है, तो दोनों स्थितियों में योग 7 नहीं है। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ एक घन बनाने के लिए एक अधूरा जाल दिया गया है, इनको कम से कम 2 विभिन्न विधियों से पूरा कीजिए, और याद रखिए घन के 6 फलक होते हैं, यहाँ इस जाल में कितने फलक दिए हुए हैं, और 2-2 पृथक पृथक चित्र बनाइए, और कार्य को सरल करने के बनाने के लिए आप वर्गांकित कागज का प्रयोग कर सकते हैं। वही मैंने आपको बताया था, आप प्रैक्टिकली करेंगे, जब आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आपको इजिली समझ आएगा, और वो बात कहीं ना कहीं आपके माइंड में स्टक रह जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें आपको फिर रटना भी नहीं पड़ेगा, मेरे लेक्चर सुन ये आप देखते जाइए और अपना प्रैक्टिकल करते जाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये दे रखा है, तो हमने क्या करा, हमने करा 6 फलक होते हैं तो कितने फलक दिए हुए 2-2 पृथक करके बताना है, तो हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर लिया, एक ये आ गया, देखो ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर से फोल्ड कर देंगे और इसको इधर से फोल्ड कर देंगे, फिर ये इधर आ जाएगा और ये इधर, ऐसे ही ये हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए जालों को उपयुक्त ठोसों से मिलान कीजिए, कैसे, अब ठोस दिए हुए हैं ना हमें, तो हमें इससे मिलान करना है, तो ये बन रहा है कुछ, तो ये हमारा जो बन रहा है, ये बन रहा है हमारा कुछ इस तरीके से ठोस। ठीक है, और इस ठोस का मिलान किससे करेंगे, ये ठोस जो है इस तरीके से बन रहा है, और ये हमारा दिया हुआ है बेलन, बेलन बन रहा है हमारा कुछ इस तरीके से, तो क्यों, क्योंकि इसमें 2 तो ये कर्व है, ये रे कर्व 2 और एक क्या है, एक ही सिंपल फेस, तो ये रे 2 कर्व और एक सिंपल फेस। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है, ये एक हमारा शंकु है, तो शंकु में देखो यानी कि कोण, कोण में एक फेस तो यहाँ पर आ रहा है और एक सिंपल फेस यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारा है प्रिज्म, प्रिज्म के पार्ट यहाँ पे ये दे रखे हैं, तो इस तरीके से जालों को हमने उपयुक्त ठोसों से मिलान कर दिया। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कैसे हम क्या करते हैं इसमें, कि कैसे हम डाइस वाला क्वेश्चन सीखा हमने, डाइस में हमने सीखा कि जो आम बिल्कुल अपोजिट डाइस होते हैं, अपोजिट अपोजिट जो होते हैं
उनमें टोटल आना चाहिए हमारा 7। कैसे? जैसे 2 प्लस 5 यानी कि 7, अगर इधर 3 है तो यहाँ होना चाहिए 4, तो 7, अगर एक तरफ 1 है तो यहाँ होना चाहिए 6, तो हमारा 7, ये 7 आना चाहिए हमारा। और हमने क्या देखा, और हमने देखा था इस चैप्टर में कि कैसे हम डाइस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट हमने पढ़े थे कि शीर्ष वाला पॉइंट पढ़ा था हमने एक, कि घन क्या होती है और 2D आकृति क्या होती है और 3D आकृति क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा। मैंने बताया था आपको कि 2D वो होती है जिसमें खाली लेंथ और ब्रेथ होती है, और 3D क्या होती है, 3D वो होती है जिसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है ना, इस टाइप की आकृति जो होती है। अब जैसे घनाभ है, घनाभ में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था घनाभ में, घनाभ में हमने देखा था कि इसके कितने वो होते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स इसमें होते हैं 8 यानी कि कोने, और जो इसमें एजेस होती हैं, एजेस कितनी होती हैं, एजेस होती हैं इसमें 12, ठीक है ना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।